अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। और इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। ये रोड क्रैक नहीं, फट चुका है। अभी एक दूसरे को किसी ने धकेल दिया, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर जाने भी जा सकती है। बच्चों के लिए, हमारे बूढ़ों के लिए, हमारी औरतों के लिए जान माल का नुकसान कभी भी हो सकता है। और ये बॉडी वॉल ढह चुकी है, फाइल बन चुकी है, फाइल तैयार है, पास नहीं हो रहा है, ये हम लोग 1-1.5 साल से सुन रहे हैं। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कौसा गांव में फलाह कॉम्प्लेक्स जाने वाला जो रास्ता है, इसकी सुरक्षा दीवार गिर गई है और अब धीरे धीरे ये रास्ता नाले में ढहता हुआ जा रहा है। बगल में ही कौसा तालाब भी है और करीम सोसाइटी के लोगों ने मनपा में पत्र व्यवहार भी किया है इस रास्ते को दुरुस्त करने को लेकर, कि इस रास्ते को बनाया जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 स्कूल भी है और यहाँ से स्कूल वैन जो है बच्चों को लेकर आती जाती है, इसके अलावा अन्य गाड़ियाँ भी आती जाती हैं और जो रास्ता है वो अब धीरे धीरे नाले में ढहता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने का यहाँ डर भी बना हुआ है। सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि वो भी टैक्स भरते हैं तो फिर आखिर जिस रास्ते से वो आते जाते हैं वो रास्ता जर्जर हो चुका है, काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, तो आखिर इस रास्ते को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। सोसाइटी के लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुना दें। आज आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से? सर, आप लोगों को बुलाने का एक मतलब है, यहाँ पर किसी पे एलिगेशन या किसी पे बोतल लगाना नहीं है कि ये हम एज अ जागरूक नागरिक होने के बावजूद कि हम यहाँ पर सालों साल से रहते हैं, वी आर टैक्स पेइंग पर्सन। यहाँ पर हर एक सोसाइटी टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग है, ये हमारा कौसा गांव है तो यहाँ पर सब लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का ये जो रोड जिस पे हम खड़े होकर आज ये शूट कर रहे हैं, ये रोड क्रैक नहीं, फट चुका है, मतलब ढह चुका है, ये रोड ढह चुका है और जो इसकी वॉल थी वो ढह के जा चुकी है। और ये बेसिकली जाना आना कंटिन्यूस तौर पर रोड है, यहाँ पर स्कूलों की वैन जाती है जिसमें स्कूलों के बच्चे होते हैं और कभी खुदा ना खास्ता वो इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस गया और ये रोड उसी बार ढह गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी के यहाँ पर जाने भी जा सकती हैं। और हमारे ये गाँव के बच्चे लोग यहाँ पर साइकिल चलाते हैं, यहाँ खेलते हैं और बाई चांस कई मस्ती में कभी एक दूसरे को किसी ने धकेल दिया, पॉसिबिलिटी है बच्चे हैं खेलेंगे। और कभी यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल ना होने के, जो मेन नाले की वॉल ना होने के कारण वो लोग शायद सीधा नाले में जाएंगे, गटर में जाएंगे और पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चों के साथ में बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। और इस ये लेके हमने इसी को लेके हमने टीएमसी में उमरा प्रभाग समिति में हमने लेटर दिया था। फर्स्ट लेटर हमने जून में दिया था 2022। हाँ, 2022 में हमने इसको लेके मैंने लेटर दिया था कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये हमारा पोजीशन है, हम इस ये सोसाइटी में रहते हैं, हमारे हमारे बच्चों के लिए, हमारे बूढ़ों के लिए, हमारी औरतों के लिए जान माल का नुकसान कभी भी हो सकता है, ये रोड फट चुका है और ये बाउंड्री वॉल ढह चुकी है। हमारी सोसाइटी करीम सोसाइटी है, ये फलाह कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 8 सोसाइटी है, उनका यहाँ जाना आना है और एक आप भी आइए। हाँ हाँ, तो यहाँ पर 8 सोसाइटियाँ हैं, उनका कंटिन्यूस तौर पर जाना आना है और इसके लिए हमने लेटर दिया था। और फिर मैंने रिमाइंडर लेटर मैंने 21 यानी इस महीने इस साल के जनवरी में रिमाइंडर लेटर दिया मैंने कि बाबा, कि अभी तक इस पर जो हमने लेटर दिया था इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो प्लीज़ फॉर द इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिसाइडिंग हियर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो नागरिक हैं यहाँ पर और जो बेसिकली टैक्स पेयर लोग हैं, और उनके लिए जान माल का, खास करके औरतों और बच्चों के लिए जान माल का खतरा है, तो बड़ा मेहरबानी इस पर कुछ संज्ञान लेते हुए ये जल्दी से जल्दी बनाया जाए। क्योंकि और इस तरीके से हमने सुनते आए कि फाइल बन चुकी है, फाइल तैयार है, पास नहीं हो रहा है, ये हम लोग 1-1.5 साल से सुन रहे हैं, तो आप लोग को बुलाने का बोलिए, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा।
जैसे कि नाला हम देख रहे हैं, राइट साइड में बाउंड्री वॉल बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, जी जी जी, लेकिन जहां हम खड़े हैं, जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पे नहीं बनी है। हाँ, ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं कि सामने साइड में वो वॉल बन चुकी है, तो जब से ये था कि ये भी वॉल बनेगी, अगले हफ्ते बनेगी, एक महीने बाद बनेगी, दो महीने बाद बनेगी, इसको देखते देखते डेढ़ दो साल बीत गए, फाइल भी पेंडिंग है, फाइल आ रही है, क्या फाइल क्या पेंडिंग, ये पॉलिटिशियन ये उनका वो जाने, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम इस शहर के और इस कॉम्प्लेक्स के रेसिडेंट होने के नाते हमको लोगों की जान की और माल की फिक्र है, इसके लिए हमने हमारे लिए हम टैक्स भरते हैं, हमारे लिए हमारी म्यूनसिपालिटी है, इसलिए हमने म्यूनसिपालिटी में ये लेटर दिया है कि फौरन तत्कालीन तौर पर एक्शन लेते हुए जल्दी से जल्दी ये वॉल। एजेंसी की तरफ से क्या आपको? कोई फॉलोअप अभी तक नहीं आया। मैंने एक बार एक बंदा उनका आया था, सुपरविजन किया और सुपरविजन करके चला गया, बोला कि हम लोग इस पे हम लोग फटाफट कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, और ये भी मेरे ख्याल से 8 महीना पहले की बात है। जब ये रिमाइंडर लेटर देने के बाद में फिर कोई आया? नहीं, रिमाइंडर लेटर देने के बाद में अभी तक कोई नहीं आया है। इसके लिए मेरी ये मजबूरी है कि आप लोगों को बुला के ये प्रेस मुझे बाहर देनी पड़ रही है, ताकि ये बात कम से कम हमारे अधिकारियों तक जाए और ये चीजें जल्दी से जल्दी काबू में आए कि बड़ा इंसिडेंट बड़ा हादसा होने से रुक जाए। जो कॉर्पोरेट लोग थे उनके पास अपने क्या? हाँ, ये उनको भी, ये अभी आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये हमने उनको भी उस वक्त में इन्फॉर्म किया था कि आप ये पहले लेटर दे सकते हैं, उस टाइम भी उनको गया कि हमने टीएमसी में लेटर सबमिट किया है, आपको भी ये इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो आप अपने लेवल पे अपने महत्व से कुछ क्या कहा? नहीं, उन्होंने कुछ, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं फॉलोअप करता हूँ, इतना उन्होंने कहा था, लेकिन अब क्या है, अब कितना लगभग आपने कितना पहले ये साल भर पहले की बात है, जब उस टाइम पे वो नगर सेवक हुआ करते थे, अब तो कोई नगर सेवक नहीं है, अब देयर इज नो, देयर इज म्युनिसिपैलिटी डायरेक्टली। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए ये चीजें, ये बाइट म्युनिसिपैलिटी तक पहुंचे और हमारे लिए कम से कम ये काम हो जाए। तो अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराओगे? सीधी बात है ना कि अभी इतना बड़ा इंसिडेंट, अभी इतना बड़ा हादसा है, हमने लेटर रिमाइंडर लेटर दिया है, और अगर हादसा होगा तो जाहिर सी बात है ना कि इसके लिए जो शासन प्रशासन वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये बात हमने 700 रुपये कर दी है, ये लेटर भी दिया है कि हम कि वी आर, यहाँ पर जितनी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग है, वी आर टैक्स पेइंग पर्सन, और हम चाहते हैं कि जो हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सब ने अपना काम किया। अब उनका कभी कभी बोलता ना कल कि आपने हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आपको लेटर क्यों नहीं दिया, तो हमने हमारा काम किया, नाउ वी आर वेटिंग कि वो लोग अपना काम कर देंगे, और ये बाय डिफॉल्ट उनको करना ही है, लेकिन जितना देर करेंगे एक इंसिडेंट एक हादसा होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो हम चाहते हैं कि किसी की भी जान या माल इस इंसिडेंट में ना जाए, जल्दी से जल्दी इस पे काम हो, बस यही रिक्वेस्ट मुझे करना है और कोई बात नहीं। ओके, फला ये कॉम्प्लेक्स आप अकेले थोड़ी है, 500 लोग आते हैं, 500 बिल्डिंग है, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज स्कूल वाले हैं, बीमार है, मरीज है, रोड भी जाम हो जाता है, तो सारी ट्रैफिक यहीं से जाती है, रोड जाम हो जाता है, सारी गाड़ियां यहीं से आती जाती है, हम लोग पैदल चल नहीं सकते, हैवी गाड़ियां भी यहां से जाती है, बाइक और रिक्शा जाता है, बाइक रिक्शा और स्कूल वैन, स्कूल वैन तो जाएगी ना जब यहां रहते हैं, तो